फोटोग्राफी से फ्लावर की फ़ोटोज़ कैसे लेते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो ग्रिड लाइन, उसके लिए क्या करना है, ग्रिड लाइन्स ऑन कर देनी है आपने स्टार्टिंग के लिए। देखो यहाँ पर ग्रिड लाइन होती है, ये देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना है बस। फिर खोलो कैमरा और देखो ये जो सेंटर में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सेंटर स्क्वायर है इसका, उसी में ऑब्जेक्ट लाओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आ गया, बट देखो ऑब्जेक्ट के जो आसपास के सराउंडिंग में जैसे लीव्स आ रही ना, बस उतना ही नहीं लो, क्योंकि ये एरिया ख़राब दिख रहा है तो उससे फ़ोटो का इम्प्रेशन ख़राब होगा। और अगर उधर भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान में यही रखना कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही आना चाहिए। उसके लिए बस जब सेंटर में आ जाए तो ये फोकस बटन लॉक कर दो और फिर फोटो लो। देखो ऑब्जेक्ट तो रेडी हो गया, बट ऑब्जेक्ट के जो बगल के सराउंडिंग्स हैं, हमने उसका भी ध्यान रखना है कि वो उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। साफ सीधी बात है, ये तो नॉर्मल फंक्शन से लिया मैंने, ठीक है। अब एक और फ्लावर की फ़ोटो लेते हैं। तो ये देखो, कोशिश ये करनी है हमने कि ऑब्जेक्ट सेंटर के बीच में है और सराउंडिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वो तो खैर एडिटिंग से हो जाएगा, बट बिगनर्स को थोड़ी एडिटिंग समझ में नहीं है क्योंकि वो नए नए होते हैं। तो ये देख रहे हो फोटो, क्या सॉलिड फोटो है। अब मैं इसको जूम करूँगा तो दिख रहा है ना सब कुछ, एकदम फर्स्ट क्लास लुक, ठीक है। अब मैं बताऊँ, एक और फ्लावर की फ़ोटो लेते हैं। वो ऐसे टाइप के होते हैं, देखो दिख रहा है ये। तो ये हमने देखो, अगर हम जूम करेंगे तो ऑब्जेक्ट कट रहा है, हम ऐसे लेंगे तो भी ऑब्जेक्ट कट रहा है। तो बेटर ये है कि उसके पास जाओ, थोड़ा दूर ले लो, ज़्यादा भी दूर नहीं, बस आपका शॉट रेडी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसमें ज़रा नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं ज़रा वाईफाई बंद कर लूँ, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स होंगी, आपको भी डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगेगा, क्यों। अब मैं आपको बताता हूँ मोबाइल से आपको फ्लावर के पोर्ट्रेट कैसे लेने, बट उससे पहले दो तीन और शॉट की मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो ये देखो, ये हमारा फ्लावर ऑब्जेक्ट के बीच में ही आ रहा है, मतलब स्क्वायर के बीच में, बस ये लॉक करो और इसकी फोटो लो। क्लैरिटी होगी तो बात होगी, पर क्लैरिटी के लिए आपको अपना हाथ यानी हैंड प्रॉपर तरीके से कैमरे को पकड़ना चाहिए, राइट। होल्ड आपका अच्छा होना चाहिए। एक और शॉट दिखा देता हूँ, जो छोटे से फ्लावर होते हैं, इनमें से ऑब्जेक्ट कौन सा होता है उसकी भी प्रैक्टिस है। देख लो, ये देख लो, इसको लॉक करो और इसकी फोटो ले लो, ठीक है। अब मैं आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ऑफ फ्लावर, नहीं फ्लावर की फोटोग्राफी हमने पोर्ट्रेट मूड से कैसे लेनी है वो भी सीख लो। ओ, हमें सेटिंग में जाना है, पोर्ट्रेट मोड ऑन करना है और वही मेन चीज़, ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखना है, राइट। थोड़ा दूर रख लो इसको, मैंने चलो ये लेंस यूज़ कर लिया अपना, बस दिस इज योर शॉट।